हैप्पी न्यूर टू एवरी नए साल में क्या बनाया जाए क्या बनाया जाएंगी yes, कुछ मीठा मीठे में क्या है मीठे में है हनी केक तो गाइज आप भी हनी केक बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव सबके साथ तो लेट्स बिगिन बट बिफोर दैट मैं आपको बता दू आपको इस वीडियो को पूरा देखना है फ्रॉम स्टार्टिंग एंड तो so, उसको पूरा देखना स्किप करके मत देखना थोड़ा बेकिंग में ऊपर नीचे हो जाता है और बेकिंग के साथ साथ मुझे एक बात याद आई मैंने कहीं यू नो वीडियो देखी थी उसमें वो कह रहे थे बेकिंग इज नॉट एवरी वन कप ऑफ केक ऐसा क्यों यू एवरी वन कैन बेक ऐसा कुछ नहीं है इफ आई कैन ब्रेक यू कैन ब्रेक

उसके बाद मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप ऑयल मैंने सोयाबीन ऑयल यूज़ किया है और इसे मैं जेंटली मिक्स करती रहूँगी और आप इसमें स्पैचुला uh, का यूज़ करो तो बेटर रहेगा उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी वन कप प्लस वन फोर्थ कप मैदा और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और जेंटली मिक्स करना है कि इसका डो जैसा रेडी हो जाएगा आपको लगेगा ये तो थिक हो गया है बट ऐसा कुछ नहीं है आप इसको मिक्स करते रहना जेंटली ये खुद ही एक डो जैसा देखो ये रेडी हो गया है और कुछ नहीं आपने इसमें परेशान नहीं होना कि ये क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है और अब इसमें मैं ऐड करूँगी थर्ड फोर्थ कप कैस्टर शुगर जो कि पीसी हुई चीनी होती है और इसे भी आप जेंटली मिक्स करते रहो मिक्स करते रहो और थोड़ा टाइम लगेगा ये थोड़ा सा बैटर मतलब हार्डली थ्री फोर मिनट्स लगेंगे आपको इसको मिक्स करने में फिर मैंने वन टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है फिर हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है तो मैंने पहले मेजरमेंट्स कर लिए थे तो इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी और परेशान मैंने कहा ना आपको होना नहीं है इसमें और इसमें मैं अब मिल्क ऐड करूँगी और आपको मिल्क वन फोर्थ कप मिल्क ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है अच्छा तो ये आपका बैटर रेडी हो जाएगा और अपने मोल्ड को पहले से ही ग्रीस करके रखिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो और इसमें मैंने थोड़ा सा क्रंचीनेस के लिए थोड़ा फ्लेवर इन्हांसमेंट के लिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें ऐड कर दी ये अपने विश से आप कुछ भी डाल सकते हो ये आपकी पर्सनल चॉइस है तो आपको बस अब इसको बैटर को आपको मोल्ड में डालना है उससे पहले मैंने थोड़ा सा ये स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इसमें ऐड करूंगी मैं इसमें तो मैंने वो ऐड कर दिया था इसमें और अच्छे से इसको जेंटली मिक्स कर दिया था और बस अब इसको मैं मोल्ड में डालूंगी और मोल्ड को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑलरेडी और अब आपको एक चीज़ और बताती हूँ बेक इसको थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स करना है मीडियम फ्लेम पे अगर आप गैस पे कर रहे हो और अगर आप इसको बेक कर रहे हो तो 35 मिनट्स या 40 मिनट्स 165 सिक्सटी डिग्रीज़ पर मैंने इसको बेक मतलब जो मैंने अपने ओ टी अवन में किया था तो आप उसको अपने अवनस के अकॉर्डिंग कर सकते हो तो इससे ज़्यादा नहीं रखना है मतलब तो चलो अब इसको बेक करके मैं दिखाती हूँ देखो ये कितना सुंदर लग रहा है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है ये और बहुत अच्छा लग रहा है तो इसको मैंने निकाल दिया है अब मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जाती हूँ जो मैं बताती हूँ टू टेबल स्पून शुगर मैंने एक पैन में डाल दी है कैस्टर शुगर है ये हाफ कप वाटर डाल दूँगी मैं इसमें और जो पीसी हुई चीनी आती है मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है और ये इस पर मैंने डाल दिया है आप इसको अच्छे से स्टोर कर दूँगी मैं और उससे पहले मैं हनी ऐड करूँगी वन फोर्थ कप हनी ऐड करूँगी और मिक्स अच्छे से इसको कर दूंगी देखो हनी कितना अच्छा लग रहा है जैसे शिमला में ठंड है तो थोड़ा सा ये ऐसे फ्रीज जैसा हो गया बट फ्रीज़ भी नहीं हुआ है बट टेम्परेचर थोड़ा डाउन है तो इस वजह से ये ऐसा है तो इसमें हनी आप किसी भी कंपनी का हनी ले सकते हैं और मतलब यूज़ कर सकते हैं ऐसा कोई स्पेसिफिक हनी नहीं है इसमें मैंने डाबर का हनी यूज़ किया तो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया जेंटली मिक्स करना है आपको उसको फटाफट नहीं घुमाना है एक तो क्या होगा इससे ये बाहर आ जाएगा और ऊपर से ये अच्छे से मिक्स भी नहीं होगा बहुत सॉफ्ट हाथों से आपको उसको मिक्स करना है अब मैं इसमें जो नेक्स्ट स्टेप करूँगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट uh, स्टेप है जो मुझे ऐसा लगता है वो है ये फोक लेना है फोक से आपको उसको प्रिक करना है पूरे केक को क्योंकि जगह आप जब इसको अच्छे से डालोगे तो ये जो आपका जूस है तो ये बाहर नहीं निकलेगा मतलब कौन सा जूस ये वाला जूस तो इसको मैं बंद किया और अब इसमें मैं इसको डालूंगी तो देखो जब जैसे ही डाल रही अंदर सोक कर रहा है क्योंकि हमने इसको प्रिक किया हुआ था तो ये सारा हमें इसमें ऐड करना है अच्छे से ताकि ये जो भी आपके हनी के फ्लेवर है और चीनी का फ्लेवर है ये अच्छे से इसमें मतलब एकदम से कहते हैं ना आपका बिल्कुल सोख हो जाए ये अच्छे से सोख होने के बाद इसमें मैं नेक्स्ट स्टेप भी आपको बताऊंगी जो लास्ट स्टेप है आपको इसका मेन केक का करना है उसके अलावा तो आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी डेकोरेट किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हो सिर्फ दो स्टेप्स हैं इसके बाद जो आपको फॉलो करने हैं जो आपको मैं बताऊंगी बाकी आप केक को डेकोरेट करने के तरह तरह के तरीके हैं ये मेरा तरीका है और मैंने इसको इस तरीके से किया है और अब इसमें मैं इसको पूरा डाल दूंगी मैंने इसमें वन फोथ कप जैम लिया है आप स्ट्रॉबेरी जैम ले सकते हैं पर मैंने मिक्स्ड फ्रूट जैम लिया है जो मेरे घर पे अवेलेबल था जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो जैम वो ले सकते हो और इस केक को बनाने के लिए बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो आप देख सकते हो कुछ मैंने कोई बहुत ज़्यादा बड़े कोई चीज़ें नहीं इसमें ली हैं तो इसको मैं अच्छे से पूरी तरह से इसमें स्प्रेड स्वें करूँ देखो देखने में कितना यम लग रहा है वो वाला डायलॉग मैम का याद आ रहा है टेस्टिंग लाइक अबाव ये सच में टेस्टिंग लाइक अबाव हो रहा है तो इसके बाद जो मैं ऐड करूँगी इसमें वो ये है जो है पीसीवी गरी तो गरी को मैंने इसमें इसका बिल्कुल ग्राइंड करके कर दिया था तो ये डाल दिया था बस ये वाली इंग्रेडिएंट्स है जो आपको इसमें फॉलो करनी है यहीं तक जो मैं ये एक मेन है उसके बाद तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आप चाहो तो मैंने सोचा इस बार केक को थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं तो आ, केक को मैंने डेकोरेट किया था और पर प्रतीक कह रहे थे कि ओवर डेकोरेट कर लिया बट मुझे अच्छा लग रहा था तो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम कोई और केक बनाऊंगी तो उसके लिए कम डेकोरेट कर लूंगी बट ये अच्छा लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने इसमें और ऐड कर दिया था ये अपने थोड़े से सिल्वर से ये अपने बॉल छोटे छोटे तो इससे भी काफी अच्छा लग रहा था तो फाइनल लुक आपको मैं ये दिखाती हूँ अभी ये है मेरी फाइनल लुक केक की so guys, ये है मेरा हनी केक। कैसा लग रहा है तो आप भी बनाना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाना और जो ये डेकोरेटिव सी आइटम है जो आप ये देख सकते हैं आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी और इसे आप डेकोरेट कर सकते हैं अपने स्टाइल से जो ये क्रम्स है ये कोकोनट के क्रम्स है जो ये मैंने बाद में साइड में इसमें लगाए हैं और अब इसको मैं इंजॉय करूंगी और कॉमेंट सेक्शन में प्लीज बताना कि ये केक कैसा लग रहा है और आप भी बनाना और मुझे तब भी बताना की कैसा लग रहा है तो सी चलो अब इसको खाती हूँ मैं बताती हूँ ऑनेस्ट रिव्यूज दूंगी बट आप सोचोगे की बोल रही हो मई ना वाइफ इनको आप काटती हूँ इतना स्मूथली कट रहा है। mm. like wow. है कि मैंने बनाया बहुत ज्यादा टेस्टी है मैं अपनी सारी फैशन नहीं करती हूँ जो लास्ट केक बनाया था उससे ज्यादा टेस्टी है सो so, आप भी ट्राई कर सकते हैं आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा बना है जो ये क्रंचिंग है ना इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है

अभी के लिए इतना ही अब आपको क्या करना है मेरे चैनल को लाइक like, शेयर और कॉमेंट और सब्सक्राइब बाय